CMC वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि CMC वेल्लोर से अगर आपको इलाज कराना है तो आप कैसे वहाँ पहुँचेंगे। CMC वेल्लोर हालांकि तमिलनाडु में है, पर पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और नेपाल से अधिकांश ऐसे मरीज जो अपने क्षेत्र में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं वो चिकित्सा के लिए CMC जाते हैं। और मैंने देखा है CMC जाने के बाद लोग काफ़ी संतुष्ट होकर के और काफ़ी रिजनेबल दर पर चिकित्सा करा करके वापस आते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि CMC वेल्लोर का वेबसाइट है, ये देखिए वेबसाइट मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। CMC वेल्लोर के वेबसाइट पर जा करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो हो सकता है आपको इंतजार करना पड़े। तो CMC वेल्लोर के साइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप उनका ये वेबसाइट खोलेंगे और ये देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ CMC वेल्लोर टाइप किया, मोबाइल से ही कर रहा हूँ मैं। अब आपका CMC वेल्लोर का खुलेगा, देखिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ये खुल रहा है। यहाँ देखिए cmcvellore.edu ऑनलाइन बुकिंग यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये नीचे ऑनलाइन बुकिंग लिखा हुआ है, आप इसमें क्लिक करेंगे। ये देखिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर ये खुल रहा है, ये इनका वेबसाइट है, मैंने जानकारी दी। अब देखिए यहाँ पेशेंट पोर्टल लिखा हुआ है, उसी वेबसाइट पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे पेशेंट पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें कई चीज़ें आ रही हैं, CMC टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी, उसके बाद इंस्ट्रक्शन है, CMC ई मेड्स है, ये तमाम चीज़ें आप पार करते हुए आप सीधे नीचे आएंगे और ये देखिए प्रोसीड टू पेशेंट पोर्टल लॉगिन लिखा हुआ है, आपको करना क्या है इस पर क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें पूछी जाती है, अगर आप पहले से पेशेंट हैं तो यहाँ पेशेंट ID देना है और आपका एक पासवर्ड आपने बनाया होगा वो देना है और ये लॉगिन पर क्लिक करना है। आप अगर पहले से नहीं हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यू पेशेंट फर्स्ट टाइम टू CMC, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना पड़ता है। पहली बात तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ, वैध पहचान पत्र ये लेके जाना पड़ता है, आजकल आधार का लोग प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई हैव रेड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद ये प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप यहाँ आ जाइए। अब ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले पेशेंट नाम आप नाम चुनना है, उसके बाद जेंडर क्या है, मेल फीमेल या क्या है वो लिखना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर मैरिड है अनमैरिड है वो लिखना है, आपका नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, पेशेंट ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी इसमें विदेश से आते हैं तो उसमें विदेशी भी लिखते हैं, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारा विवरण जब आप भर देते हैं, भरने के बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, और आप सबमिट करते हैं। जब ये सबमिट करते हैं तो इसके बाद फिर आपका खुलता है कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। अब मान लीजिए आपको डॉक्टर सर्जरी वाला काम है, ऑपरेशन वाला केस है तो सर्जरी चुनेंगे, मेडिसिन वाला है तो मेडिसिन चुनेंगे, जो भी केस है ENT कान गला है उसके अनुसार आप डॉक्टर चुनेंगे, और चुनने के बाद फिर आप उसमें डॉक्टरों का नाम आता है, इस दिन ये डॉक्टर फ्री हैं, आप उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जब आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये सब जानकारी आप देख सकते हैं और इसके अनुसार आप वहाँ जा सकते हैं। अब आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, आपको एक डेट मिल गया, अपॉइंटमेंट मिल गया, अब उस दिन आपको जाना है। जाने के लिए आप कहीं से भी आए, जैसे हावड़ा से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हावड़ा से अगर आप चलेंगे, यशवंतपुर एक्सप्रेस जाती है और भी गाड़ियाँ जो दक्षिण भारत जाती हैं बेंगलोर चेन्नई के लिए, उसमें एक स्टेशन आता है काटपाड़ी, KATPADI, काटपाड़ी जो स्टेशन है, अगर आप हावड़ा से चलते हैं तो तिरुपति के ठीक 2 घंटे बाद आता है। आपको काटपाड़ी स्टेशन पर उतरना है, उतरने के बाद आप वहाँ से ऑटो रिक्शा लेते हैं, ऑटो रिक्शा वाला 250 या 300 रुपये लेता है, आपको सीधे CMC वेल्लोर की गेट के सामने छोड़ देता है। अब जब भी आप जाते हैं तो आपके पास सामान वगैरह रहता है, आपको होटल वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है। CMC वेल्लोर का जो मेन गेट है उसके सामने तमाम होटल भरे पड़े हैं, गेस्ट हाउस भरे पड़े हैं, या फिर थोड़ी सी आगे जाकर के एक गली है, गली में चले जाइए, मतलब आप जैसा चाहते हैं वहाँ बंगाली होटल है, राजस्थानी होटल है, बिहारी होटल है,
तमाम तरह के होटल हैं, 200-300 रुपए से शुरू करके आप 1000-2000 तक जैसा ढूंढेंगे वैसा मिलेगा। आपको करना क्या है, आपका जो बजट है उसके अनुसार जैसे आप जिस दिन गए वहाँ बुक कर लीजिए, रह लीजिए, उसके बाद आप घूम करके फिर अपने लायक सस्ता बजट वाला होटल ढूंढ सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है। कई लोग रेफरेंस वगैरह लेकर के जाते हैं, रेफरेंस भी लेकर के जा सकते हैं। वो वहाँ जो होटल हैं उनको पता है कि जो भी मरीज आता है वो खुद ही बनाता खाता है, तो लोग खाना बनाने के लिए आपको बर्तन गैस सिलेंडर वगैरह भी किराए पर देते हैं, तो आप अगर चाहें तो गैस सिलेंडर वगैरह किराए पर लेकर के वहाँ रह करके अपना इलाज करा सकते हैं। अन्य स्थानों से अगर आप आते हैं तो भी, अगर हावड़ा होकर के आते हैं तो काठपाड़ी, अच्छा काठपाड़ी से चेन्नई रेलवे स्टेशन या चेन्नई शहर 2.5 घंटे की दूरी पर है, बस से जा सकते हैं। वहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें चलती हैं वो 170 या 130 रुपये एसी वाली बस है, वो आपको चेन्नई ले जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। चेन्नई अगर आप मान लीजिए कहीं और से आ रहे हैं, चेन्नई उतर के बस से आना चाहें तो बस से आ सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई से ट्रेन की भी सुविधा है काठपाड़ी आने की, आप उसके अनुसार आ सकते हैं।